वालेकुम। आज मैं आपको बुनियादी अकायद के बारे में बताऊंगी। बुनियादी अकायद को हम दूसरे लफ्ज़ों में अरकाने ईमान भी कहते हैं। अल्लाह पर ईमान, फरिश्तों पर ईमान, आसमानी किताबों पर ईमान, रसूलों पर ईमान और आखरत के दिन पर ईमान। अब मैं आपको अल्लाह पर ईमान लाने के बारे में बताऊंगी। अल्लाह पर ईमान लाए बगैर कोई शख्स मुसलमान नहीं कहला सकता। अल्लाह पर ईमान लाने का मतलब है कि अल्लाह एक है, अल्लाह जैसा कोई नहीं, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। इस कायनात की हर जानदार मखलूक को ज़िंदगी देने वाला अल्लाह है। इस कायनात का एक ज़र्रा भी अल्लाह के इल्म और ताकत से बाहर नहीं। सारी दुनिया अल्लाह की मोहताज है, अल्लाह किसी का मोहताज नहीं। अल्लाह हमेशा से है और हमेशा रहेगा। अल्लाह जो चाहे जैसा चाहे कर सकता है, उसे कोई रोकने की ताकत नहीं रखता। शुक्रिया।